अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक न्यूज़ में एक बार फिर फरुख शेख और निदा हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमेशा की तरह टेक न्यूज़ में हम लाए हैं आपके लिए ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से दिलचस्प और हैरत अंगेज खबरें। टेक न्यूज़ एक ऐसा प्रोग्राम जिसका शिद्दत से इंतजार रहता है हमारे किसानों को और नई टेक्नोलॉजी से मुंसलिक रहने वाले लोगों को। तो फरुख, इंतजार किस बात का? आगाज करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का और बताते हैं अपने नाज़रीन को कि आज के टेक न्यूज़ में हमारे पास उनके लिए क्या है। जी निदा, हमारे प्रोग्राम के पहले सिलसिले में हम बात करते हैं डिस्कवरीज की, जिक्र ऐसी टेक्नोलॉजी का जो अपनी सिफ्त और खासियत की वजह से मुनफरिद मुकाम रखती है। और प्रोग्राम के दूसरे मरहले में हम जानेंगे स्टोरीज इनसाइड, यानी जदीद तहकीक, नई फसल और किसी भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। और इस प्रोग्राम के तीसरे सिलसिले में हम देंगे दुनिया भर से हासिल की जाने वाली लेटेस्ट, स्टनिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज। तो चलिए चलते हैं टेक न्यूज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो कि है डिस्कवरीज। नाज़रीन, आज के डिस्कवरीज में हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। बताएं तो ये बैटरी ट्रैक्टर, जनरेटर और दीगर मशीनरी में इस्तेमाल होती है, लेकिन हमें इसकी इंफ्रादियत का अंदाजा तब हुआ जब हमने विजिट किया मिलत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि मिलत इंडस्ट्रीज की इंफ्रादियत क्या है। किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स का बेहतरीन मयार और क्वालिटी इस इंडस्ट्री की कामयाबी और तरक्की का बायस बनती है, और ज़राअत की तरक्की तो इन्हिसार ही जदीद टेक्नोलॉजी पर करती है। जदीद ज़रई आलात की तैयारी दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और नीम तरक्की याफ्ता ममालिक में की जाती है, जिसकी वजह से जमीन को सोना उगलने के काबिल करने वाले मेहनती किसान ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हासिल कर पाते हैं और बेहतर पैदावार का हुसूल मुमकिन होता है। जदीद मशीनरी और ज़रई आलात के बाद सबसे अहम चीज इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज हैं। अगर बैटरी अच्छे मयार की तैयार होगी तो मशीनरी की लाइफ भी देर पा हो जाती है। हमारे यहाँ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का आम रुझान पाया जाता है, ऐसे में बैनुल अक्वामी मयार के मुताबिक तैयार होने वाली प्रोडक्ट अपने मुल्क में बनना शुरू हो जाए तो इसे बड़ी नेमत और क्या होगी। हमारे किसान और जिम्मेदार अपने ट्रैक्टर्स और मशीनरी में अच्छी क्वालिटी की बैटरी के हसूल के लिए तगोदो में रहते हैं। ऐसे में मिलत इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स मिलत ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम मंजरे आम पर आया, जिसकी बनाई हुई बैटरीज मुकम्मल बाएतमाद होने के साथ बैनुल अक्वामी मयार के एन मुताबिक हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने प्रोडक्ट्स अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार किए हैं, जो कि लोकल मार्केट की कंडीशंस को मीट करती हैं। हमारा गर्म मौसम है, बिजली में यूपीएस में यूज होता है, बिजली के फ्रीक्वेंटली आना और जाने से बैटरी डैमेज हो जाती है, तो इट टेक्स केयर ऑफ दैट ऑल्सो। मटीरियल में हम कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करते ताकि कस्टमर को वैल्यू दी जाए। वी यूज बेस्ट मटीरियल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के बेहतरीन कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जैसे आप देखते हैं कि बिजली एक घंटा आती है, एक घंटा जाती है, तो उससे यह होता है कि बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, और नंबर टू बैटरी की लाइफ कम होती है। ये ऑटोमोबाइल बैटरीज हैं। अब इसमें हमारी यूपीएस सीरीज की हाई परफॉर्मेंस बैटरीज हैं, जैसे अपने लोकल कंडीशन के लिए उसमें थिक प्लेट्स यूज़ की जाती हैं ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा हो, और उसमें सेपरेटर हम स्पेशल सेपरेटर यूज़ करते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है और बैटरी आपका शॉर्ट नहीं होती। हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, हम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं, और इन फ्यूचर हम और प्रोडक्ट्स भी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, और वी वांट टू बी द लीडर इन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़राअत को मजबूत सहारा देने वाली ये इंडस्ट्री बहुत से ट्रैक्टर और मशीनरी बनाने के साथ साथ निहायत कामयाबी के साथ 26 से ज्यादा इकसाम की बैटरीज तैयार कर रही है, जो कि ट्रैक्टर्स, जनरेटर और बहुत सी दीगर मशीनरियों में इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी 1,70,000 पर एनम है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 ईयर्स में 300,000 बैटरीज हो जाएगी। और इसमें एक बहुत अहम चीज़ मैं चाहूँगा कि आपको बता दूँ कि ये जो यूपीएस की बैटरीज है वो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया, जो अभी तक किसी और ने नहीं बनाई। उसमें हम थिक प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, और ये लिफाफ जो एनवलप सेपरेटर्स है वो यूज़ कर रहे हैं,
जिससे बैटरी की यूपीएस बैटरीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। और ये हम सिर्फ वाहिद हैं जो मार्केट में हम बना रहे हैं यूपीएस की बैटरी, और ये इसकी स्पेशलिटी है। मिल्लत बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतरीन और शानदार बनाने के लिए तमाम केमिकल और मटेरियल इम्पोर्टेड हैं और इनकी तैयारी का अमल यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। वैसे तो पाकिस्तान में बेशुमार कंपनीज बैटरी, मशीनरी और दीगर ज़रई आलात की तैयारी करती हैं, लेकिन मिल्लत इंडस्ट्री की एक ऐसी खसूसियत जो इसे बाकी कंपनियों से मुनफरिद करती है वो है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का कयाम, जो न सिर्फ आला मेयार की बैटरी की तैयारी का बाइस बनता है बल्कि जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मजीद बेहतरी की वजह भी बनता है। यूपीएस के हवाले से हमारी कंपनी ने स्पेशली डिज़ाइन की है बैटरी यूपीएस के लिए सिर्फ, और ये यूपीएस की बैटरी कोई और कंपनीज नहीं बना रही। इसमें खसूसी तौर पे मोटी प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि यूपीएस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद देती हैं, और बैकअप टाइम इसका दूसरी तमाम बैटरियों से बहुत बेहतर है। और ये हमारी बैटरी जो है हमारे इंजीनियर्स की और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की काविशों का नतीजा है जो कि कोई और कंपनी इसको हासिल नहीं कर सकी। मिल्लत बैटरी के अजाइम में अगले 2 सालों में 3 लाख बैटरी प्रोडक्ट्स और मौजूदा साल यानी साल 2012 में मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी लॉन्च करने का इरादा है। अगर पाकिस्तान की ज़राअत की जिद्दत के लिए मिल्लत इंडस्ट्री जैसे इदारे अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे वो दिन दूर नहीं जब ना सिर्फ मुल्की ज़राअत में बेहतरी आएगी बल्कि हमारा किसान भी खुशहाल होगा और पाक धरती के लिए मजीद मेहनत और जानफिशानी से अपनी खिदमात सर अंजाम देगा। मैं डीलर हाँ मिल्लत बैटरी का, और ये मिल्लत बैटरी बहुत अच्छी तकरीबन 1.5 साल 2-2 साल बैटरी चल दी। ट्रैक्टर ते रखी हुई बैटरी भावें 2 महीने बाद सलफ मारीे ट्रैक्टर जिन्ना मर्जी ठरिया हो स्टार्ट पहले सलफ से स्टार्ट होता, और सानू इहदा कोई क्लेम नहीं आया अज तिकर। जेड़ा भी बैटरी लैके जाता वो दोबारा मिल्लत ही मंगता है। जी नाजरीन, ये तो थी मिल्लत इंडस्ट्री की एक ऐसी प्रोडक्ट जिससे हमारे साथी ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक बिल्कुल शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, ब्रेक से वापस आकर आप जानेंगे टेक न्यूज में शामिल होने वाली लेटेस्ट इन्वेंशंस और स्टोरी इनसाइट। मिलते हैं ब्रेक के बाद।